वेलकम टू सीधी शिक्षा। माय डियर साथ, जैसा कि आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का 5th चैप्टर का। चलिए आज इस वीडियो के अंतराल में ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। वास्तव में चुंबकत्व का परमाणु किस तरीके से होता है या किस बेस से रिलेटेड होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डील करने वाले। तो इसके अंतर्गत आप लोग चुंबक के बारे में जाने हैं, चुंबक होती क्या है, चुंबकत्व किस तरीके से होते हैं, उसके गुण किस तरीके से होते हैं, चुंबक कब स्थायी होता है, उसका चुंबकत्व कब नष्ट होता है, उसकी ध्रुवीय स्थिति क्या होती है, उसमें उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, उसका यामियोत्तर क्या होता है, भौगोलिक अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है, चुंबकशीलता क्या होती है, इसके बहुत सारे बेसिकली चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं, कवर कर चुके हैं। तो आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, ऐसे संबंधित जितने भी चुंबकीय पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ है, उनकी हम लोग तुलना भी करेंगे कि वास्तव में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार से रिलेटेड है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं चुंबक के परमाणु मॉडल के बेस पर। तो वास्तव में चुंबक का परमाणु मॉडल क्या होता है, इस चीज़ के बेस पर हम इस चीज़ को हम लोग डील करते हैं भाई। तो वास्तव में ये आपका चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। कक्षीय गति एवं चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, कक्षीय गति एवं चक्रण गति ना, कक्षीय गति एवं चक्रण गति करता हुआ, कक्षीय एवं चक्रण गति करता हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो आपका जो कक्षीय गति है और चक्रण की जो गति है, जो आपकी कक्षीय गति है, ये आपकी कक्षीय गति हो गया और दूसरा हो गया आपका चक्रण, चक्रण की जो गति है, ये आप लोगों का कक्षीय गति हो गया, ये आप लोगों का चक्रण गति हो गया। तो कक्षीय गति एवं चक्रण गति करता हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक धारालूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसमें क्या होता है आप लोगों का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो ये दोनों आपका चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, ये दोनों आपके चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, जिस पर आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिस पर आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, तो कक्षीय एवं चक्रण गति करता हुआ कोई भी आपका जो बिंदु रहता है, पॉइंट जो भी बेसिकली रहता है, वह कक्षीय गति एवं चक्रण गति करता हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक धारालूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। यह पाया गया कि कक्षीय गति की, उसमें यह पाया गया कि जो कक्षीय गति है भाई, कक्षीय गति है कि अपेक्षा चक्रण की गति, कि अपेक्षा चक्रण की गति का चुंबकीय आघूर्ण में अधिक, चुंबकीय आघूर्ण में अधिक योगदान, अधिक योगदान लगभग 90% रहता है। लगभग कितना रहता है? 90% रहता है। प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण, प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण, प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण उनके सभी इलेक्ट्रॉनों के, उनके सभी इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योगफल के, चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। इस आधार पर हम लोग, इस आधार पर अनुचुंबकीय पदार्थ, इस आधार पर अनुचुंबकीय पदार्थ और दूसरा हम लोगों का प्रतिचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। तो इस बेस पे हम लोग ये देखते हैं कि जो कक्षीय गति होती है,
जो कक्षीय गति होती है एवं जो चक्रण की गति होती है, जो आप लोगों की कक्षीय गति होती है और चक्रण की जो गति होती है, कक्षीय गति एवं चक्रण की जो गति गति करता हुआ रहता है, वह प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक धारा लूप पर, वह एक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक धारा लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है ना, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्णा होता है, जिसमें क्या होता है भाई आप लोगों का, चुंबकीय आघूर्णा होता है। यह पाया गया है कि कक्षीय गति की अपेक्षा यह पाया गया है कि जो कक्षीय गति की अपेक्षा चक्रण गति का चुंबकीय आघूर्णा में क्या होता है, अधिक होता है। इसका योगदान क्या होता है, एकदम अधिक होता है, मतलब लगभग 90% रहता है। तो इस पर हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्णा होता है, उनके सभी इलेक्ट्रॉनों के जो चुंबकीय आघूर्णा होते हैं, इनके सदिश योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। और इस आधार पर हम लोग अनुचुंबकीय को देखते हैं और प्रतिचुंबकीय को देखते हैं एवं लौह चुंबकीय को देखते हैं, इसके पदार्थों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अनुचुंबकीय को देखेंगे, इस आधार पर हम लोग अनुचुंबकीय को देखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ को देखेंगे, और उसके बाद क्या है, प्रतिचुंबकीय को देखेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इसके बाद हम लोग देखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो यह हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ, यह हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यह हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। तो वास्तव में जो परमाणु मॉडल होता है इसका, वो कक्षीय गति के बेस पे भी होता है, चक्रण की गति के बेस पे होता है, जिसमें हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनों जो चुंबकीय क्षेत्र होती है और चुंबकीय क्षेत्र जो प्रवृत्ति होती है चुंबकीय गुणों के अपेक्षा, कि आप लोगों का वो लौह चुंबकीय के प्रति किस तरीके से होता है, प्रतिचुंबकीय के प्रति किस तरीके से रहता है, अनुचुंबकीय के प्रति किस तरीके से होता है, उसको हम लोग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जहाँ पर चुंबकत्वशीलता रहता है जहाँ पर, ठीक है, उस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, क्लियर। तो आगे का जो हमारा प्रत्येक परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्णा होता है, इस पॉइंट को देखिए, प्रत्येक परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्णा होता है, प्रत्येक परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है, प्रत्येक परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, उनके सभी इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योगफल के बराबर होती है, सदिश योगफल के बराबर होती है। इस आधार पर हम अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, इस आधार पर हम लोग अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या करते हैं। तो ये कक्षीय गति के बेस पे हो गया और आप लोगों का चक्रण गति के बेस पे हो गया, जब हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एक धारा लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव के भांति व्यवहार करेंगे, जिसमें चुंबकीय आघूर्णा के बेस पे रहेगा, और यहाँ पर जो कक्षीय आप गति की अपेक्षा जो चक्रण का जो चुंबकीय आघूर्णा होता है वो आपका अत्यधिक होता है, लगभग बहुत सारे चीज़ों के बेस पे ये सब होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ, हमें देखते हैं इसको पहला
पहला इस चीज को हम लोग देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ में, किसमें देखते हैं पहला हम लोग अनुचुंबकीय में ना, अनुचुंबकीय पदार्थ में देखते हैं इस चीज को, अनुचुंबकीय पदार्थ हम देखते हैं। ये पदार्थ ऐसे होते हैं कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों में की संख्या विषम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया रे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, विषम होती है इन पदार्थों के परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम होती है जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है, जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है, दिशा में होता है। क्लियर। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों में की संख्या विषम संख्या होती है, इन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु में, ठीक है, इन पदार्थों के जो प्रत्येक परमाणु रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है। जैसे इस तरीके से चक्रण है तो आपका इसी दिशा में रहेगा चक्रण, आपका इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा, ये चक्रण की दिशा इस तरीके से हो जाएगा, ये नाभिक के बेस पे रहेंगे, ये आपका नाभिक हो गया, ये आपका प्रोटॉन हो गया, ये आपका न्यूट्रॉन हो गया भाई, ये न्यूट्रॉन के बेस पे, ये आपका प्रोटॉन के बेस पे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत हम इस चीज को देखते हैं कि जो आप लोगों का ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों में, ठीक है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों में की संख्या विषम होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है विषम होती है, इन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम होती है जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है, जिनका चक्रण किस में होता है एक ही दिशा में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ये दोनों अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। वास्तव में अनुचुंबकीय पदार्थ किस तरीके से होते हैं तो इसको बोलेंगे ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों में की संख्या विषम होती है, इन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम होती है जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट कंटेंट को देखते हैं। नेक्स्ट कंटेंट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको फर्स्ट कंटेंट में देख लिए थे, इसमें रिपीटेशन के बेस पे ये चल रहा है, ठीक है, यहां पर इसका गुणवत्ता और गुणों के आधार पर ये चल रहा है। तो अगला है हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब ये क्या होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में, ये थ्योरिकल चीज है ना, डेरिवेशन बेस तो हम लोग पूरा सॉल्व कर ही चुके हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है सम होती है, तथा प्रत्येक परमाणु में दो दो इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु में दो दो इलेक्ट्रॉन का एक एक युग्म होता है, प्रत्येक परमाणु में दो दो इलेक्ट्रॉन का एक एक युग्म बनाते हैं, इसमें प्रत्येक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका दो दो का हम लोग क्या करेंगे एक एक युग्म बनाएंगे। ये आपका दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये है और ये है, इन दोनों का एक एक युग्म, एक एक युग्म बनाते हैं हम लोग, एक युग्म,
प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉनों के प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती है। अतः प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अतः प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नेट चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इस बेस में आप लोग ये देख रहे हैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। प्रत्येक परमाणु में दो दो इलेक्ट्रॉन का एक एक युग्म बनाते हैं। प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अतः प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है आप लोगों का? शून्य हो जाता है। चलिए इसके बेस पे हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों के तुलना के लिए हम इस चीज को देखते हैं। तो वास्तव में अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय है। तो इस चीज की इसकी तुलना को हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का कंपेरिजन ऑफ मैग्नेटिक और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बेस पे दिया गया है। तो इसकी जो गुणवत्ता है उसकी चीज को हम लोग देखते जाते हैं। तो फर्स्ट दिया गया है चुंबक का प्रभाव के आधार पर दिया गया है। ठीक है, पहला आपका जो दिया गया है वह चुंबक के प्रभाव के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट में हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि ये प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो आपका चुंबक का जो प्रभाव होता है अनुचुंबकीय में, ये प्रबल चुंबक की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जबकि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है ये प्रबल चुंबक से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। लेकिन आपका लौह चुंबकीय क्या बोलता है भाई कि यह प्रबल चुंबक की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। यह भी क्या हो जाता है? आकर्षित। मतलब प्रतिचुंबकीय आपका क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड बेस में हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड बेस में इसका हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव को देखते हैं। तो इसका जो प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र का, पहला चुंबक का प्रभाव को देख लिए और जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं भाई। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं? जब हम इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं भाई, अगर जब हम इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो ये क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। ये क्षेत्र के इस तरीके से देखिए डायग्राम बेस में मैं बता रहा हूं, ये क्षेत्र के क्या हो जाते हैं? समांतर हो जाते हैं। क्लियर, समांतर रहेंगे तो समदूरस्थ भी हो जाएंगे, दो समांतर रेखा एक दूसरे को जिस तरीके से नहीं काटते उसी बेस पे। लेकिन ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं? इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र पर लटकाने पर ये क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं, ये इस तरीके से लंबवत हो जाएंगे। लंबवत मतलब 90 डिग्री आपका यहां पर मूवमेंट करेगा भाई। क्लियर, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ लंबवत हो गया। लेकिन आपको जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। मतलब अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय काफी इन दोनों की जो मेल जोल है बहुत ही है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। थर्ड के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो जो आपका थर्ड नंबर के बेस में जो आता है उसमें आता है असमान चुंबकीय क्षेत्र। वास्तव में ये जो असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है वह अनुचुंबकीय के लिए किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है, प्रतिचुंबकीय के लिए किस तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करता है, लौह चुंबकीय के लिए किस तरीके से करता है, इस चीज को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो जो आपका असमान चुंबकीय क्षेत्र रहता है, अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं भाई, तो ये कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की तरफ भागते हैं भाई। मतलब कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ नहीं, कम से ज्यादा की तरफ। लेकिन जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है इसको हम लोग लटकाते हैं तो यह अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर चलता है। जस्ट इसका अपोजिट, वो क्या करता है? कम से ज्यादा की तरफ जाता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय ज्यादा से कम की तरफ। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ क्या करता है? इसको लटका देते हैं तो यह भी कम से ज्यादा की तरफ जाता है। मतलब ये अनुचुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ उसी के बेस पे दोनों का अटैचमेंट है। क्लियर, तो इसी के बेस पे हम लोग पहला चुंबक का प्रभाव, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव के बेस पे देखे, थर्ड नंबर पे हम लोग देखे असमान चुंबकीय क्षेत्र के बेस पे इस चीज को देखे। अगर हम लोग इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता के बेस में देखेंगे, अगर फोर्थ नंबर में अगर इस चीज को हम लोग इसके आपेक्षिक चुंबकशीलता के बेस में देखेंगे, तो जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होता है भाई, जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होता है इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वह एक से अधिक होती है। यह क्या होती है? एक से अधिक होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता अनुचुंबकीय पदार्थ की क्या होती है? एक से अधिक होती है।
क्लियर। लेकिन जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होती है उनकी अपेक्षीयशीलता क्या होती है, एक से कुछ कम होती है। मतलब एक से क्या होती है, कुछ कम, मतलब जीरो से थोड़ा बड़ा लेकिन एक से कम, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होगा भाई, ये जीरो नहीं हो सकता। और जो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है इनकी भी जो चुंबक शीलता होती है इसका बहुत ही अधिक होता है भाई, इसका बहुत अधिक होता है। तो लौह चुंबकीय का बहुत अधिक, अनुचुंबकीय का एक से अधिक और प्रतिचुंबकीय का एक से कम के बेस पे होता है, जीरो से अधिक लेकिन एक से कम होता है भाई आपका। क्लियर। चुंबक चुंबकनशीलता का मान के बेस पे हम लोग देखेंगे तो वही हो जाएगा आपका जो भी बताया हूँ मैं। और लास्ट है आप लोगों का आई और एच के संबंध में, हम लोग जो 36 तीव्रता के बेस में देखे थे ठीक है, आई और भी के बेस पे, तो उस बेस पे हम लोग देखेंगे तो इसका क्या होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो आई और एच के सापेक्ष रैखिक रूप में इसको बढ़ते हुए रूप में देखेंगे तो इस चीज में क्या होगा, इस चीज को देखते हैं। तो आई और एच के रूप में इस चीज को देखते हैं तो आई और एच के सापेक्ष रैखिक रूप में बढ़ता है तथा निम्न ताप पर संतृप्त हो जाता है। दूसरा, आई और एच के रैखिक रूप में संबंधित होते हैं। तीसरा, आई का मान एच के सापेक्ष रैखिकता परिवर्तित नहीं होता है और अंत में संतृप्त हो जाता है। इस बेस पे हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग देख रहे थे आई और एच के बीच में, हम लोग इसको देख चुके हैं, अपेक्षिक चुंबकशीलता के बेस पे देख लिए हैं, चुंबकनशीलता के बेस पे देख लिए हैं। आगे देखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर, इसको हम लोग देखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर किस तरीके से होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई बाई टी या वन बाई टी ठीक है, ये आपका इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब एक इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, एक राशि का मान बढ़ता है दूसरे का घटता है, दूसरे का घटता है पहले का बढ़ता है, तो इसको व्युत्क्रमानुपाती वितरण बोलते हैं। प्रतिचुंबकीय के प्रति इसका व्यवहार क्या होता है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है भाई। और लौह चुंबकीय पदार्थ है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घटती जाती है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये कंडीशन वाइज क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एक नंबर का जब आता है तो कंडीशन वाइज क्वेश्चन आता है, विशेष स्थिति को देख करके आता है। आठवां नंबर पर है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अल्प होता है किंतु धनात्मक होती है, हमेशा ये पॉजिटिविटी रहेगा, पॉजिटिव नंबर के बेस पे रहेगा आपका अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति अल्प रहती है किंतु ऋणात्मक बेस में होती है, मतलब ये नेगेटिव नंबर के बेस पे होती है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ का क्या होता है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति उच्च तथा धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव बेस पे होती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं स्थायी चुंबक और के बेस पे देखते हैं, ये लास्ट कंटेंट है। स्थायी चुंबक के बेस पे हम लोग देखेंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ इनसे स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में देखेंगे तो इनसे भी स्थायी चुंबक बनाए नहीं जा सकते, लेकिन लौह चुंबकीय से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, जैसे कि लोहा, स्टील, कोबाल्ट, निकिल। और प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत बिस्मत, पानी और एंटीमनी, सोना आता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत हम लोग मैग्नीज पढ़ते हैं, प्लेटिनम पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन के बेस पे ये सब चीज आते हैं आप लोग। क्लियर। तो ये था आपका तुलनात्मक अध्ययन। आगे देखते हैं हम लोग विद्युत चुंबक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर। अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है, दो नंबर के बेस पे इस चीज को पूछा जाता है। वास्तव में विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यह एक अस्थायी चुंबक होता है, यह एक अस्थायी चुंबक होता है। जब किसी परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की छड़ को रखकर अगर उसमें हम लोग नियत दाब पर दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं, दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं, तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र हजार गुना बढ़ जाता है। ठीक है, एक गुना नहीं भाई, हजार गुना बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम परिनालिका में धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं, जब कुछ क्षण के बाद हम लोग उस पर धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है, इसका चुंबकीय अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि नर्म लोहे की क्रोट की चुंबकीय धारणशीलता बहुत ही कम होती है। तो यह प्रवृत्ति और यह घटना आपकी क्या कहलाती है, विद्युत चुंबक कहलाती है। तो यह एक अस्थायी चुंबक है, जब हम परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की छड़ पर उसमें कुछ नियत दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ समय बाद परिनालिका में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो उसका चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की घटना आपका विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। क्लियर। इसके बाद का जो कंटेंट है, इसका कंटेंट क्या है कि विद्युत चुंबकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये आएगा एग्जाम में तो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो विद्युत चुंबकत्व के जो सामर्थ्य है, विद्युत चुंबकत्व को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि किसी विद्युत चुंबक के चुंबकत्व को निम्न प्रकार के कारक प्रभावित कर सकते हैं। पहला तो उसका पदार्थ की प्रकृति प्रभावित कर सकती है। पदार्थ की प्रकृति किस तरीके से है, यहाँ पर कांस्टेंट के बीच पे आया था, जो वायु निर्वात के लिए अलग होता है, प्रावैद्युतांक के लिए अलग होता है, तो माध्यम के प्रकृति पर यह निर्भर करेगा अगर पहला कंटेंट हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड कंटेंट की बात करेंगे तो उसमें उपस्थित जब भी विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, आप प्रत्यति धारा जिस तरीके से होता है उसके बेस पे हम लोग जितने भी कुंडली रहता है, कुंडली के बेस पे करते हैं, तो उसमें जो फेरों की संख्या है एन,
जो फेरों की संख्या क्या होती है, एन जो होती है, उसमें फेरों की संख्या बढ़ाने पर, अगर फेरों की संख्या जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो विद्युत चुंबकत्व का सामर्थ्य बढ़ जाता है, मतलब विद्युत चुंबकत्व बढ़ेगा, जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ेगा विद्युत चुंबकत्व आपका बढ़ता ही चला जाएगा। तो दूसरा आपका फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, तो ये फेरों की संख्या बढ़ाने पर हम लोगों का विद्युत चुंबकत्व का सामर्थ्य आप लोगों का बढ़ जाता है। सेकेंड थर्ड की बात करें तो उसकी धारा की प्रबलता पर, धारा की प्रबलता पर, अगर धारा की प्रबलता बढ़ाने पर विद्युत चुंबकत्व का सामर्थ्य बढ़ जाएगा, जैसे जैसे धारा की प्रबलता को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ये इसके कांस्टेंट में आई जो नॉट है और आई के बेस पे जो है इसका वैल्यू आप लोगों का ग्रो करते जाएगा, इस तरीके से इंक्रीज होते जाएगा। क्लियर? तो थर्ड कंटेंट जो क्या है आप लोगों की, धारा की प्रबलता पर, विद्युत चुंबकत्व में किस पर निर्भर करता है, तो धारा की प्रबलता पर, जैसे जैसे हम धारा की प्रबलता को बढ़ाते जा रहे हैं तो विद्युत चुंबकत्व का जो सामर्थ्य है उसकी भी प्रबलता एक एक करके एकाएक रूप में क्रमशः बढ़ते लगता है, ठीक है, बढ़ते जाता है। तो पहला पदार्थ की प्रकृति हो गया, दूसरा हम लोग फेरों की संख्या देख लिए, तीसरा धारा की प्रबलता पर, पहला क्या था पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा क्या था फेरों की संख्या पर, और तीसरा हम लोग देख लिए धारा की प्रबलता पर। अगले देखते हैं हम लोग ताप पर, ताप तो रहेगा ही क्योंकि ताप के बिना तो ये कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ताप पर अगर उच्च ताप देते हैं तो इस पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, जाहिर सी बात है कि आप जैसे जैसे ताप को बढ़ाओगे तो उसका चुंबकत्व नष्ट होते जाएगा। क्लियर? तो इस बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो आप लोगों का विद्युत चुंबक के मान क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो विद्युत चुंबक के जो ताप हो जाएगा वह केवरी ताप से भी अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम उच्च ताप करते हैं तो चुंब ताप बढ़ाने पर ताप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो विद्युत ऊर्जा की मान आपकी, विद्युत चुंबक की मान आपकी कम होती जाती है, ठीक है। मतलब एक एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, व्युत्क्रमण विचरण के अंतर्गत ही आ रहा है। क्लियर? अगला कंटेंट जो है इसका उपयोग, तो पहला हम लोग देख लिए थे पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा क्या देख लिए, पहला हम लोग किस पर देखे, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और दूसरा क्या देख लिए, फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या पर, फिर ताप पर, ताप पर, फिर उसकी चुंबकशीलता पर। चलिए अब इसका उपयोग को देखते हैं, विद्युत चुंबक के उपयोग, उपयोग को पूछता है, ठीक है। विद्युत चुंबक क्या है, इसके उपयोग क्या क्या है, कोई दो उपयोग लिखिए। तो पहला आप लोग लिखोगे जो विद्युत क्रेन रहते हैं, ठीक है, जो विद्युत क्रेन रहते हैं, विद्युत क्रेन द्वारा लोहे के भारी सामानों को उठाने में, जो क्रेन रहता है ना आप लोगों को क्रेन देखे हो, ठीक है, एक लोहे की जो वस्तु भारी भारी वस्तु होती है उसको एक जगह से दूसरे जगह में बहुत सारे कंपनियों में ज़्यादा यूज होता है। जब रोड वगैरह भी बनते रहता है तो वहाँ पर देखोगे साइड में कंपनी फैक्ट्रीज जितने रहते हैं बड़े बड़े कंटेन को, जो कि लोहे का आपका बना होता है, ठीक है, इंजन के लिए जितने भी होते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत क्रेन द्वारा लोहे के भारी सामानों को उठाने में एवं एक दूसरे के स्थान तक ले जाने में किया जाता है, क्योंकि अगर विद्युत चुंबक रहता है तो उसको चिपका करके वो लगा रहता है ताकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाते जब जाए तो वह किसी पर, किसी के ऊपर न मत गिरे, इस टाइप से बोल के, ठीक है। क्योंकि अगर वह चुंबकशीलता के बाद वहां पर जकड़ के रखेगा तो वहां पर जिस स्थान पर उसको रखना चाहता है उसी स्थान पर उसको रख सकता है, नहीं तो ये अगर विद्युत चुंबक नहीं होता तो वह कहीं पर भी गिर सकता है, ठीक है, जिससे हानिया क्षतिग्रस्त भी हो सकती है। तो पहला विद्युत क्रेन द्वारा हम लोग लोहे के भारी सामानों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, दूसरा लोहे के छर्रे को शरीर के किसी भाग से निकालने के लिए, जो हमारे पास लोहे के छर्रे रहते हैं, अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कारणवश लोहे के छर्रे को निगल जाते हैं या कारणवश आपके पास में लोहे का कुछ भी छर्रा या लोहे से रिलेटेड जो भी कुछ छोटे कण आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो इस बेस में हम लोग विद्युत चुंबकत्व का उपयोग करते हैं, जिससे डॉक्टर्स जितने भी मेडिसिन है मेडिकल क्षेत्र में जितने भी हैं वहाँ से इसका उपयोग करके उस चीज़ को हम लोग बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो लोहे के छर्रे को और शरीर के किसी भाग में निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। नाउ थर्ड, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी बनाने में होता है, जिसे चुंबकशीलता से कंपनशील होती है, तो विद्युत घंटी बनाने में रिले के माध्यम से और जो माइक्रोफोन होता है इसी के बेस पे होता है भाई, जो माइक्रोफोन आपका होता है और लाउड स्पीकर भी हो जाता है जिसमें कंपन की मात्रा होती है, तो इसका उपयोग हम लोग विद्युत घंटी में भी करते हैं, माइक्रोफोन में भी करते हैं और लाउड स्पीकर में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्लियर? और धातुओं के बेस में देखेंगे तो जो धातु होते हैं, धातुओं से हम अयस्क को, धातुओं से हम लोग अयस्क के, अयस्क से जो लोहे है इसको पृथक करने में, धातुओं के अयस्क को लोहे से पृथक करने में, या धातु के जो अयस्क होता है अयस्क से लोहे को हम लोग पृथक करने में इस विद्युत चुंबकत्व का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चौथा उपयोग आप लोगों का हो गया। क्लियर? अब इसमें हम लोग अंतर देखते हैं कि विद्युत चुंबक स्थायी और विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर, तो वास्तव में विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए,
चलिए, तो यह नर्म लोहे से बनाया जाता है। जो विद्युत चुंबक होता है आपका नर्म लोहे से बनाया जाता है, लेकिन स्थायी चुंबक आपके स्टील से बनाया जाता है। क्लियर। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो विद्युत चुंबकत्व का जो चुंबकत्व होता है वह अस्थायी होता है, जबकि स्थायी चुंबक का स्थायी होगा। नाम से स्पष्ट है भाई, स्थायी चुंबक है तो स्थायी तो होगा ही, और विद्युत चुंबक का अस्थायी होता है। विद्युत प्रवाह बंद करते ही इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, विद्युत चुंबकत्व, जबकि स्थायी चुंबकत्व का अस्तित्व रहता है। विद्युत चुंबकत्व के सामर्थ्य को हम बदल सकते हैं क्योंकि इसको कम और ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन स्थायी है ये, जहां पर है इसके सामर्थ्य को हम बदल नहीं सकते, इसकी ध्रुवता को भी बदला नहीं जा सकता है, जबकि विद्युत चुंबकत्व की ध्रुवता को बदला जा सकता है। विद्युत चुंबकत्व की ध्रुवता को बदला जा सकता है, स्थायी चुंबक का नहीं बदला जा सकता। विद्युत चुंबक के सामर्थ्य को बदला जा सकता है, जबकि स्थायी चुंबक के सामर्थ्य को नहीं बदला जा सकता। विद्युत चुंबकत्व का चुंबकत्व अस्थायी होता है, जबकि स्थायी चुंबक का स्थायित्व होता है। विद्युत चुंबक तो नॉर्मल होकर बनाए जाते हैं, जबकि स्थायी चुंबक आपके स्टील के बनाए जाते हैं। क्लियर। इसके बाद लास्ट जो कंटेंट आपका इस चैप्टर का है वो शैथिल्य वक्र के अंतर्गत आता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर चुंबकीय तीव्रता H में परिवर्तन के सापेक्ष पदार्थ के चुंबकन तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण के अध्ययन के लिए जो खींचा गया वक्र होता है, इसको हम लोग BH वक्र या शैथिल्य वक्र इस तरीके से बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शैथिल्य वक्र बोलते हैं। बी और एच के बीच जो वक्र खींचा जाता है भाई, इसको हम लोग शैथिल्य वक्र बोलते हैं। कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि चुंबक तो पढ़ रहे हैं तो चुंबकीय पदार्थ तो आएगा ही, तो चुंबकीय पदार्थ हम आपका जो बी होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, चुंबकीय तीव्रता एच है, इस पर हम कुछ परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, और उसका जो चुंबकन तीव्रता आई और चुंबकीय प्रेरण जो बी होता है, चुंबकीय प्रेरण आपका बी और एच, इसके बीच में ग्राफीय निरूपण करते हैं, और इसी ग्राफीय निरूपण के जो बीच का जो वक्र होता है, इस वक्रीय पद को हम लोग बोलते हैं शैथिल्य वक्र। ये क्वेश्चन में आता है लास्ट कंटेंट, शैथिल्य वक्र क्या होता है बोल के, या किसके और किसके बीच में खींचा गया ग्राफ होता है बोल के, तो इस चीज को आप लोग देखिएगा वास्तव में शैथिल्य वक्र क्या होता है। इस तरीके से ये आता है, चुंबकीय अवशेष के अवशेष जो रहता है इसमें कम होता है, चुंबकीय जो बचा खुचा रहता है भाई वो अवशेष कम होता है, और इसको शून्य करने के लिए विपरीत दिशा की तरफ हम इस चुंबकीय तीव्रता के मान को पदार्थ की तीव्रता के मान से क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ स्थिति ऐसी आती है जिसमें चुंबकीय अवशेष का मान एकदम कम हो जाता है, और कम होते होते वह इस स्थिति पर आ जाता है कि वह शून्य के कगार पर आ जाता है, और शून्य के कगार पर जैसे ही आता है तब इसको हम लोग पदार्थ की निग्राहिता बोलते हैं। यह आता है भाई कि पदार्थ की निग्राहिता कब आती है, पदार्थ की निग्राहिता किसको बोलते हैं बोल के, तो यह चुंबकीय अवशेष जब कम मात्रा में होती है, कम कम होते 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 एक समय ऐसा आता है कि यह शून्य के बेस पे हो जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ की निग्राहिता बोलते हैं। क्लियर। तो जब यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकन के विभिन्न चक्रों से होकर के गुजार देंगे, ठीक है, तो इसमें जो एच के मान रहता है वह संगत बी के मान के क्या होता है, पश्चता होता है, चुंबकीय शैथिल्य वक्र के बेस पे होता है। मतलब जो एच का मान होता है वह बी के पश्चता होता है, मतलब पीछे होता है, ठीक है, अग्रता नहीं होता है, आगे नहीं होता है, पश्चता के बेस पे होता है। तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन के जो विभिन्न चक्रों से हम लोग गुजारेंगे राउंड राउंड करके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर आपका जो वक्र बनता है बीएच वक्र, तो बीएच वक्र में जो एच का जो वैल्यू होता है वह बी के क्या होती है, पश्चता होता है, तभी तो इसको बी और एच बीएच वक्र बोलते हैं, बी के बाद एच आता है यहां पर। क्लियर। अल्फाबेट में बी के बाद सी आता है, वो वाला नहीं है, ठीक है, तो यहां पर इस चीज को हम लोग बोलते हैं शैथिल्य वक्र। तो ये चैप्टर का आप लोगों का टॉपिक का लास्ट कंटेंट था, इतने में ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश होता है। तो जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा, ये तो चुंबक के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख लिए हैं, गतिमान आवेश के बेस पे देख लिए हैं, चुंबकत्वशीलता के बेस पे देख लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। क्लियर, तो आज का क्लास हम लोग यहीं वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।